1743 में एक नौजवान ब्रिटिश लड़का एक क्लार्क की हैसियत से भारत आया था। शायद उसे देख ये किसी को न लगा हो कि वो मामूली सा लड़का आने वाले दौर में भारत में ब्रिटिश हुकूमत की नींव रखेगा। उसने मद्रास पोर्ट पर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नौकरी शुरू की, फिर अपने हुनर से ब्रिटिश सेना का हिस्सा बना। आगे चलकर उसकी काबिलियत इतनी बड़ी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उसे बंगाल प्रांत का 2 बार गवर्नर बनाया गया। एक गवर्नर की हैसियत से उसने वो काम कर दिखाया जिसने ब्रिटिश हुकूमत के पाँव भारत में हमेशा हमेशा के लिए गाड़ दिए गए। मैं बात कर रहा हूँ एक ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव की, जिसे ब्रिटिश लेखक क्लाइव ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो क्या थे इस रॉबर्ट क्लाइव के कारनामे, कैसी रखी थी इसने भारत में ब्रिटिश हुकूमत की नींव, और सबसे अहम कैसे लूटा था इसने भारत का खजाना जिसके बलबूते पर वो ब्रिटिश का सबसे अमीर इंसान बन गया, जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। सितंबर 1735 ये वो तारीख थी जब ब्रिटेन की गलियों में रॉबर्ट क्लाइव का जन्म हुआ। वो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर था, मगर उसकी बुद्धि पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद में बनी रही। कई बार उसे इसी वजह से स्कूल से भी निकाला गया, मगर कम उम्र की वजह से उसकी शरारतें बढ़ती ही रही। हालांकि ये ज्यादा देर तक नहीं चला, जब समझ बढ़ी तब उसने ये सब छोड़कर अपना ध्यान पढ़ाई में लगाना शुरू किया। 1743 में उसने अपनी शिक्षा के बलबूते पर एक क्लार्क के हैसियत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करना शुरू किया। उसकी पहली पोस्टिंग ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहे मद्रास बंदरगाह पर थी। हालांकि क्लाइव का ध्यान कलम से ज्यादा बंदूकों पर था। उसे इस बात की आशा थी कि वक्त रहते वो भी किसी न किसी दिन एक सैनिक की हैसियत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सेवा देगा, मगर कोई भी काम हाथ पर हाथ धरे रखने से नहीं होता। उसने सेना का प्रशिक्षण लिया और एक सिपाही के रूप में काम करने लगा। सेना में रॉबर्ट क्लाइव का रुतबा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि अगले 4 सालों में उसने एक सैन्य अधिकारी के रूप में ही ब्रिटिश हुकूमत की शपथ ले ली। ये ताज्जुब की बात है कि ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद भी क्लाइव ने ब्रिटिश सेना में एक ऑफिसर का पद हासिल किया था। धीरे धीरे उसकी नेतृत्व क्षमता निखरने लगी। उसने सबसे पहले मद्रास में अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर फ्रांसिसियो को मार भगाया। महज कुछ ही सालों में लगातार जीत हासिल करते हुए क्लाइव का उत्साह इतना बढ़ चुका था कि उसने साल 1757 में 50,000 सैनिकों वाली दुश्मनों की फौज को महज 3,200 सैनिकों के साथ हरा दिया। इस लड़ाई को प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव के लिए ये लड़ाई उसके जीवन की सबसे बड़ी और निर्णायक लड़ाई साबित हुई, क्योंकि इसी लड़ाई के बलबूते पर ब्रिटिश हुकूमत ने भारत पर अपने इंपेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद की नींव रखी थी। चलिए जानते हैं इस लड़ाई की कहानी इन शॉर्ट में। प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अपने सेनापति मीर जाफर की वजह से हार का सामना करना पड़ा। बाद में अंग्रेजों ने मीर जाफर को अपना एक कठपुतली नवाब बनाया था। हालांकि सब का मास्टरमाइंड रॉबर्ट क्लाइव था। उसने एक चाल के तहत वक्त रहते नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपने तरफ कर लिया। नतीजा ये निकला कि अंग्रेजों के खिलाफ जाफर ने अपनी सेना को आगे बढ़ाया ही नहीं, और क्लाइव बिना किसी हानि के ये युद्ध जीत गया। इस जीत के साथ अंग्रेजों ने 2 बाजियां मार ली थी, बंगाल पर जीत और बंगाल पर राज करने का अधिकार भी, क्योंकि मीर जाफर तो अंग्रेजों की ही बनाई कठपुतली था जिसका सारा श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। क्लाइव ने यही से भारत को लूटना शुरू किया। उस वक्त एक जहाज में 70,000 किलो सोना ले जाया जा सकता था। रॉबर्ट क्लाइव ने ऐसे लगभग 900 जहाज भरकर ब्रिटेन के लिए रवाना किए। हालांकि इन 900 जहाजों में सारे जहाज ब्रिटिश हुकूमत के ही नहीं थे, इनमें से कुछ जहाज उसने अपने लिए भी रखे। इसी के चलते वो इतना अमीर हो गया कि ब्रिटेन लौटने के बाद उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक सीट खरीद ली। उसके इसी रईसी की वजह से उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसका उसने अपने मरते दम तक कड़ा विरोध किया। हालांकि वो इससे बाइज्जत बरी भी हुआ, मगर उस पर लगे इन आरोपों की वजह से वो पूरी तरह से टूट गया था। अपनी हुकूमत द्वारा उड़ाया गया ये मजाक वो सह नहीं पाया और 29 सितंबर 1755 में उसने अपने ही घर में
जान दे दी। हालांकि क्लाइव की मौत को कई लोग स्वाभाविक मौत मानते हैं, मगर 48 की उम्र में ऐसा होना कुछ हद तक सवाल खड़े करता है। जाहिर सी बात थी कि क्लाइव ने आत्महत्या करके ही अपनी जान दे दी थी। रॉबर्ट क्लाइव एक अच्छा सेनापति था, मगर उसके व्यक्तिगत अपेक्षाओं के कारण उसे समाज में बेइज्जत होना पड़ा, इतना कि इस वजह से उसने अपनी जान ही ले ली। तो आप इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।